वेलकम मिनिस्टर, वेलकम ट्रेडर्स, ऑन विच स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 20 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम अंबुजा सीमेंट के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर हमें सीमेंट स्टॉक पे देखने को मिला है, तो क्या ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, क्या ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेगा 293 पे और यहाँ से फिर से एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगी, तो इसी का टेक्निकल एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में हमें लॉन्ग ट्रेड में बने रहना चाहिए या फिर हमारे जो पोजीशन है उसमें अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रही है, अंबुजा सीमेंट का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में अगर हम 5 डेज बिफोर का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट भी बाकी स्टॉक की तरह गैप डाउन ओपन हुआ था और ये जो गैप है ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और ये हुआ रेजिस्टेंस 312 रुपीस का, 314 रुपीस तक, और ये अच्छा खासा गैप है जिसे हम कह सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि ये स्टॉक फर्स्ट नीचे आया, नीचे आने के बाद जहां पे इसे सपोर्ट था यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां अगर मैं एक येलो कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो लगभग ये जो 294.50 रुपीस का ये जो एक रेजिस्टेंस था ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बना 293-294। और सेकंड अगर हम देखेंगे लास्ट 4 डेज का ट्रेडिंग सेशन या लास्ट 3 डेज का ट्रेडिंग सेशन, आज का ये कैंडल हम अज्यूम करके चलते कि ये बना ही नहीं है, तो यहाँ पे भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया, इसके नीचे ट्रेड तो किया बट ऑन अ डेली बेसिस पे हमें किसी भी प्रकार का क्लोजिंग देखने को नहीं मिला। और यहाँ से जब स्टॉक आज हायर लेवल पे ओपन हुआ तो वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और लगभग ये आज की डेट में अपने सपोर्ट पे खड़ा है। आज के और कल के ट्रेडिंग सेशन को हम देखेंगे या उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म हो चुका है। अब इस डेली चार्ट पे अगर मुझे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है जो हम डेली ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक लो था अंबुजा सीमेंट में और इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक पैटर्न को देखेंगे, ये W का पैटर्न फॉर्म हुआ और अगर मैं इस हाइस को और इस हाइस को कनेक्ट कर दूं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा था। ये एक जो ऊपरी लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करता हुआ हमें देखने को मिला, यहाँ पे 1 डे पे एक ब्रेकआउट हुआ ऑन अ डेली बेसिस और उसके बाद कंटिन्यू जो प्राइस है वो नीचे आया, हम कह सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट था क्योंकि इस ब्रेकआउट के चलते अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत कम थे और सेकेंड डे पे ही हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया और लास्ट 4 डेज तक यहाँ पे जो प्राइस है वो डाउन साइड ट्रेड करता हुआ हमें नजर आया। अब चलेंगे हम इससे हायर टाइम फ्रेम पे, मींस वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे। फिर से हम चलेंगे डेली चार्ट पे, यहाँ पर चार्ट ये हुआ था, ये है अंबुजा सीमेंट का वीकली चार्ट और कुछ वीकली चार्ट पे इस तरीके के पैटर्न्स बने हुए हैं। और इस वीक का अगर हम कैंडल देखेंगे, इस वीक के अभी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं और 2 ट्रेडिंग सेशन में ही हमें यहाँ पर बाकी स्टॉक की तरह सीमेंट के स्टॉक में भी, अंबुजा सीमेंट में भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम इससे हायर टाइम फ्रेम पे, मीन्स मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने लगभग, इसके पहले भी अगर आपने मेरा टेक्निकल एनालिसिस आप कंटिन्यू देखते हैं और आपने मेरे पुराने अंबुजा सीमेंट के जो एनालिसिस के वीडियो है उनको देखा होगा, तो अंबुजा सीमेंट ने इसके पहले एक हाई प्राइस पे 2015 में ट्रेड किया था, वो था 286 का, और उसके बाद 2017 में उसने अपने प्रीवियस हाई प्राइस से एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया, वो था 282 का, और लास्ट मंथ का जो ट्रेडिंग सेशन था इसने अपने प्रीवियस दोनों हाइस के ऊपर ना बल्कि ट्रेड किया बट उसके ऊपर हमें क्लोजिंग भी आता हुआ दिखाई दिया। अभी भी स्टॉक का जो मंथली ट्रेंड है, अगर यहाँ पर हमें इस अंबुजा सीमेंट के मंथली चार्ट पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और मैं इन 2 लोस को कनेक्ट कर दूँ तो कुछ, सॉरी, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हुआ है, तो अगर मुझे इन 2 लोस को कनेक्ट करना है तो अभी भी अंबुजा सीमेंट में मंथली ट्रेंड अप है। और अगर वीकली ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुझे अगर वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो इस लो को या इस लो को और इस लो को अगर मैं कनेक्ट कर दूं जो हमारे पास अभी अवेलेबल है तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन बनता है। लेकिन
जो वीकली ट्रेंड था, जिस तरीके से हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला, तो आने वाले दिनों में अगर वीकली डिमांड जोन की हम बात करेंगे तो अंबुजा सीमेंट में जस्ट अपने प्रीवियस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ जिससे आप क्लियरली चार्ट को देख सके। ये जो प्रीवियस हाई और ये टू प्रीवियस हाईज है 291 और 286 के, इसी प्रीवियस के पास में एक वीकली डिमांड जोन है जहां पर प्राइस आने वाले दिनों में सस्टेन हो सकता है। अब यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन ये है जिस पे अभी हम फेथ नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर हम डेली चार्ट पे चले तो इस डेली चार्ट पे नीचे आने दीजिए प्राइस को, और यहां अगर ऑन अ डेली बेसिस पे कोई फ्रेश डिमांड जोन बनता है, फ्रेश बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न बनते हैं, तो उसके रिट्रेसमेंट पे हम अंबुजा सीमेंट में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ में हमें अंबुजा सीमेंट में टू हाइज मिल रहे हैं और जिसको अगर हम कनेक्ट कर दे तो यहाँ पर आने वाले दिनों में एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था अंबुजा सीमेंट का डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।